नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष लाइव जुड़ रहा हूं जयगांव के एनएस रोड से। दर्शकों, बारिश का दिन फिर से दस्तक दे रहा है और जैसे जैसे बारिश का दिन इस तरह से बारिशें होती रहेंगी, जयगांव में दृश्य भी इसी तरह का दिखने वाला है। और ये जो आप दृश्य इस समय देख रहे हैं, जयगांव के एनएस रोड से सड़कों पे जलमग्न होने का दृश्य, हमेशा से ये वही क्षेत्र है जहाँ पे जब भी बारिश होती है तो पानी का जो जमावड़ा होता है वो सड़कों पे देखा जाता है और इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे आम लोग हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जवान हो, सैनिक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आम जनता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे पड़ोसी मित्र देश भूटान के निवासी जो इस सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, सभी को इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये दृश्य लोग कहेंगे कि आम बात है, बारिश होती है तो निश्चित तौर पे ऐसा होता रहता है, लेकिन जब जयगांव के सड़कों के दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम के लिए ड्रेन बना हो, उसके बावजूद भी अगर सड़कों पे पानी इस तरह से जमा हो तो निश्चित तौर से ये सवाल उठना लाजमी है। आप देख सकते हैं, आप सभी के समक्ष हमेशा से इसी तरह से दृश्य साझा करते आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं यही अपील करना चाहूंगा प्रशासन से कि ये जो पानी सड़कों पे लग रहा है, अगर उसे सही रास्ता मिल जाए तो वो ड्रेन में चला जाए। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे छोटा सा निकासी के लिए यहाँ पे रास्ता बनाया गया है, आप देख सकते हैं, ताकि सड़कों पे ये जो पानी है वो इस ड्रेन के अंदर जा सके। आप देख सकते हैं, एक छोटा सा रास्ता बनाया गया है ताकि ये जो सड़कों पे पानी है वह इससे ड्रेन में चले जाए, लेकिन जो पानी सड़कों पे लग रहा है उसे जाने के लिए केवल ये जो रास्ता बनाया गया है, छोटा सा ड्रेन में जाने के लिए एक छोटा सा ड्रेन, वो सक्षम नहीं है। जरूरत है कि जगह जगह इस तरह का आउटलेट ड्रेन में बनाया जाए ताकि सड़कों पे जो है पानी इस तरह से ना जमे। आप सभी के समक्ष दृश्य साझा कर रहा हूँ। बारिश का दिन फिर से वापस आ रही है और जयगांव में जब जब बारिश के दिन आती है तब तब कुछ ना कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं, चाहे सड़कों पे पानी हो, चाहे पहाड़ों से मिट्टी कट के आना हो, चाहे तुरसा नदी किनारे का जो दृश्य है, चाहे खोखला बस्ती क्षेत्र में जो कई सारे पहाड़ी झरनाएं हैं, झोरा है, खोला है, उनमें भी इसी तरह का समस्या देखने को मिलता है। और बारिश कहें तो प्राकृतिक एक
एक प्राकृति का हिस्सा है बारिश होना, लेकिन मैं यही अपील करना चाहूँगा कि प्रशासन जो है, प्रशासन जनता के समस्याओं पे ध्यान दे। मैं ये नहीं कहता कि प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रही है, निश्चित रूप से प्रशासन कार्य कर रही है, लेकिन अगर समस्याएं जो हैं वो एक रूटीन बन जाए तो फिर उसके ऊपर तो सवाल उठना लाजिब है। और ये जो दृश्य मैं आप सभी के समक्ष दिखा रहा हूँ, ये एक दिनों दिन इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलता है। छोटा सा प्रयास अगर किया जाए तो इसका हल किया जा सकता है। और यही अपील के साथ मैं इस समय अलविदा लेना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से इन पानी को ड्रेन में पहुँचाने के लिए व्यवस्था किया जाए और लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। यही अपील के साथ इस समय मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा, फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा, पल पल के खबरों के लिए जय गो मेरे साथ सभी के समक्ष हाजिर होता रहेगा। जय हिंद।